नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। आज है 19 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर लिखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट बैठक, स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने और 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती पर होगा फैसला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 24 सितंबर को हिमाचल कैबिनेट की बैठक सचिवालय में सुबह 10:30 बजे होगी। बैठक में शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले 8000 मल्टीटास्क वर्करों के पदों को लेकर भी फैसला होना संभावित है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को भी मंजूरी दी जाएगी। स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने का फैसला भी इस बैठक में होगा। अभी 21 सितंबर तक सरकार ने विद्यार्थियों के लिए स्कूल आने पर रोक लगाई है। कैबिनेट बैठक में अक्टूबर में शुरू होने वाली स्वर्णिम रथ यात्रा पर भी चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस के नियंत्रण के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। निजी बस ऑपरेटरों की परिवहन मंत्री से बैठक, टैक्स माफी में जल्द मिल सकती है राहत। कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुए प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को टैक्स माफी में फिर से कुछ राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल में बैंकों से ऋण लेने में आ रही परेशानियों का भी जल्द समाधान हो सकता है। टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल की घोषणा को सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजेश प्रासर के नेतृत्व में शनिवार को शिमला में परिवहन मंत्री विक्रम सिंह से भेंट की। इस अवसर पर आयोजित बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और बताया कि पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण बसों का संचालन मुश्किल हो गया है। वही 50% टैक्स माफी के बाद 100% टैक्स को माफ करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में बस ऑपरेटरों को हानि में अपनी बसें चलानी पड़ रही है। परिवहन मंत्री ने निजी बस ऑपरेटर संघ को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को संघ की मांगों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और अतिरिक्त आयुक्त एवं सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चंद सहित निजी बस ऑपरेटर के महासचिव रमेश कमल सहित संघ के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मौसम, हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कुल्लू में चट्टाने गिरने से घर को नुकसान। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 और 21 सितंबर को 10 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत, 168 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। हमीरपुर जिले में 70 और 67 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। वहीं शनिवार को कोरोना के 168 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3633 पहुंच गया है। वहीं अब तक कोरोना के 216813 मामले आ चुके हैं। इनमें से 211554 ठीक हो चुके हैं और कोरोना सक्रिय मामले 1610 रह गए। इसमें से बिलासपुर जिले में 203, चंबा 33, हमीरपुर 347, कांगड़ा 392, किन्नौर 19, कुल्लू 41, लाहौल स्पीति 12, मंडी 247, शिमला 188, सिरमौर 5, सोलन 26 और ऊना में 97 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 142 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 10535 लोगों के सैंपल लिए गए। अब तक ब्लैक फंगस के 33 नए मामले आए सामने। उधर राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 33 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 जिला कांगड़ा में, हमीरपुर 7, सोलन 3, सिरमौर 2, शिमला 5, मंडी 4, जबकि कुल्लू और बिलासपुर में 1-1 मामला आया है। 947.47 करोड़ के निवेश के 8 प्रस्तावों को मंजूरी, 4442 लोगों को मिलेगा रोजगार। नए उद्योग स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के विस्तार की 8 परियोजना प्रस्तावों को शनिवार को हुई राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण सिंगल विंडो की 19वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में कुल 947.47 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 4442 लोगों को रोजगार मिलेगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियों में तेजी लाई जाएगी। प्राधिकरण ने ऑटो पार्ट्स के निर्माण के लिए मैसर्ज इंडो फार्म
इक्विपमेंट लिमिटेड गांव मालकू माजरा सोरन को मंजूरी दी है। निवेशकों से बैठक करने 25 को हिमाचल आएंगे केंद्रीय मंत्री गोयल। प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर 25 सितंबर को आएंगे। उद्योग मंत्री ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रदेश में निवेश करने वाले उद्योगपतियों से बैठक कर उनसे विचार विमर्श करेंगे। कुठियालाड में पैराग्लाइडिंग का दूसरा ट्रायल संपन्न, जल्द होगी पूर्ण औपचारिकताएं। डीसी उन्ना। हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले के कुठियालाड में पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर जयराम सरकार की इसे पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना है। इस योजना को अंतिम रूप दिए जाने पर कार्य जारी है। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत यहां एडवेंचर, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग और धार्मिक पर्यटन को आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनाया जा रहा है। हिमाचल में बदलेगा मिड डे मील का पेमेंट सिस्टम, स्कूलों में अब विशेष कोड के जरिए मिलेगा फंड। समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की फंडिंग का तरीका बदलेगा। समग्र शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां कर ली है। प्रदेश के 13,000 स्कूलों में पढ़ाई करने वाले करीब 5.5 लाख छात्रों के लिए फंडिंग के तरीके में बदलाव किया जाएगा। इससे अब राज्य सरकार एकीकृत वित्तीय एवं प्रबंधन सूचना पद्धति के तहत मिड डे मील बजट प्रबंधन का कार्य किया जाएगा। ये बजट PFMS यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत संबंधित एजेंसी को एक विशेष कोड के तहत मिलेगा। किस मद में कितना आय व्यय हो रहा है इसका स्पष्ट पता चल जाएगा। यही नहीं, इसके तहत सिंगल नोडल एजेंसी को शून्य शेष खाता खोला जाएगा। निदेशालय ने इस बारे में CCS मिड डे मील का खाता खोल दिया है। अब जिला प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और मिड डे मील योजना के तहत आने वाले स्कूलों को शून्य शेष वाले खाते खोलने होंगे या मौजूदा खाते शून्य शेष वाले होंगे। हिमाचल के निर्माण में कांग्रेस नेताओं की भूमिका का जिक्र न होने पर खपा हुए राठौर, भाजपा पर जमकर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र रखा गया था, जिसे महामहिम राष्ट्रपति ने संबोधित किया था। सत्र में हिमाचल निवासी कांग्रेस नेताओं का जिक्र ना होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर सवाल खड़े किए। राठौर ने कहा कि हिमाचल का निर्माण करने वालों का कहीं चर्चा में कोई उल्लेख नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का नाम बार बार लिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस के नेताओं का जिनका हिमाचल के निर्माण में योगदान रहा है उनका कोई जिक्र नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार ने बताया कि मोदी का हिमाचल के निर्माण में क्या योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार स्वर्णिम रथ यात्रा के नाम पर इतिहास से छेड़छाड़ करेगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल टनल की शिलान्यास पटका हटा दी गई है। कांग्रेस ने इसके लिए आंदोलन किया जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे लगवाने की बात कही थी, लेकिन आज तक इसे नहीं लगवाया गया। एचपीयू शिमला बीटेक द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी UIT ने लेटरल एंट्री योजना में बीटेक द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी किया है। इसके लिए 21 सितंबर को संस्थान में काउंसलिंग होगी। वहीं बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए ओपन राउंड की प्रक्रिया में आवेदन को ऑनलाइन फोरम वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसे 20 सितंबर तक भरा जा सकेगा। ओपन राउंड की काउंसलिंग 23 सितंबर 2021 से होगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर PL शर्मा ने कहा कि लेटरल एंट्री और ओपन राउंड काउंसलिंग से संबंधित जानकारी विद्यालय और संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है। 50% छात्रों की संख्या के साथ 21 सितंबर से खुलेगा CU। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय के परिसर को 21 सितंबर से छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विद्यालय के समस्त परिसरों के समन्वय को नोडल कॉम्प्लायंस अधिकारी, अधिष्ठा छात्र कल्याण एवं प्रोवोस्ट की संस्तुति के द्वारा कुलपति को किए गए अनुरोध के बाद ये आदेश विद्यालय कुलपति ने विद्यालय को खोलने के लिए जारी कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार 21 सितंबर से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षों को 50% छात्रों की संख्या के साथ खोला जाएगा। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्ष व परिसरों के समन्वयकों व अन्य अधिकारियों को अपने अपने विभाग की समय सारणी तैयार करने के निर्देश भी कुलपति ने दिए। राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिमला में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवाएं बैच 2018-19 के प्रशिक्षु अधिकारियों के विदाई समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मेधावी प्रशिक्षु अधिकारियों को पदक प्रदान किए। भारत की प्रथम महिला सविता कोविंद, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हलेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
रेगुलर भर्ती नहीं होगी प्री नर्सरी टीचर, आरएनपी रूल्स नहीं, स्कीम तैयार कर 4,787 पद भरेगी हिमाचल सरकार। हिमाचल में लंबी चर्चा के बाद प्री नर्सरी टीचर की भर्ती को लेकर बहुत सी स्थितियां स्पष्ट हो गई है। तय हुआ है कि ये नियुक्तियां रेगुलर नहीं होगी, यानी इसके लिए कोई भर्ती नियम नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि एक स्कीम बनाकर नियुक्ति की जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ है कि प्री नर्सरी टीचर अस्थायी कर्मचारी होंगे। भारत सरकार से मिली अनुमति के अनुसार कुल 4,787 पद भरे जाएंगे और प्रतिमाह 10,000 रुपये का कुल वेतन प्रति शिक्षक को मिलेगा। अब तक तय हुई प्रक्रिया के अनुसार इस कैटेगरी में सीधी भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसी कोर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल पदों में से 70% सीधी भर्ती के माध्यम से प्रक्रिया के तहत पद भरे जाएंगे। यदि इन दो वर्गों में से टीचर नहीं मिलेगी तो डीएलएड को पात्रता दी जाएगी। ये नियुक्तियां जिला स्तर पर होगी। एनसीईटी के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष मानी जाएगी। प्री नर्सरी टीचर 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके बाद इनकी स्कूलिंग शुरू होगी। वर्तमान में राज्य सरकार ने करीब 4,000 स्कूलों में प्री नर्सरी टीचिंग शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए भर्ती अब होगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा और महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के निदेशक राकिल कहलो के बीच हुई बैठक के बाद आंगनबाड़ी वर्कर के लिए प्रक्रिया तय हुई है। अब भर्ती स्कीम का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, जिसकी अनुमति फिर कैबिनेट से ली जाएगी। कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद ये भर्तियां शुरू होगी। डेयरी पोल्ट्री प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में शामिल, उद्योग और कृषि मंत्री ने किया मंथन। जयराम सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसमें कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों से संबंधित प्रोजेक्टों को भी फंडिंग के लिए जोड़ा जा रहा है, यानी डेयरी और पोल्ट्री प्रोजेक्टों पर भी सरकार सब्सिडी देगी। इस बारे में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें निर्णय लिया गया कि कृषि, बागवानी और मत्स्य के प्रोजेक्ट इसमें जोड़े जाएंगे। 1 करोड़ के तहत प्रोजेक्टों पर 25% सब्सिडी सरकार देगी। साथ ही बैंक लोन क्रेडिट गारंटी भी सरकार दे रही है। इससे बैंक उदाहरण सहायता के लिए तैयार रहती है, क्योंकि एनपीए होने का रिस्क खत्म हो जाता है।